मंगल और भोजन का संबंध बहुत ज़्यादा है और हर ग्रहों का संबंध भोजन से होता है, केवल मंगल से नहीं। मंगल और भोजन का संबंध ये है, ये आप जान लीजिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मंगल का संबंध लाल मिर्च, अनार, जौ, मसूर की दाल, शहद और मसालों से होता है। गेहूं से भी मंगल का संबंध है। जिन लोगों को ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है उन पर मंगल थोड़ा भारी होता है। मंगल कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा तो लोग बिना मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को मसूर की दाल सबसे ज़्यादा पसंद होगी। ऐसे लोगों को जब भी मीठा खाने का मन होता है ये ज़्यादा मीठा खा जाते हैं। जिन लोगों का मंगल कमज़ोर है ऐसे लोगों को तेज और गर्म खाना पसंद होता है। ऐसे लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को हलवा भी बहुत पसंद होता है। कुंडली में मंगल अगर बलशाली है तो ऐसे लोग शाकाहार पसंद करते हैं। जो लोग कटहल की सब्जी, सरसों का साग या अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के शरीर, मन और जीवन पर मंगल ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। जो भी लोग मंगल दोष से परेशान हैं उनको मंगलवार को लाल मसूर की दाल का सेवन करना आवश्यक है। कुंडली में मंगल ठीक स्थिति में नहीं है तो मंगलवार को चुकंदर का सेवन जरूर करें। डायबिटिक नहीं है तो मंगलवार को बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करके खुद भी खाएं। मंगलवार को गुड़ और आटे से बना लड्डू भी भोग के रूप में समर्पित करें और इससे मंगल दोष में आराम मिलेगा। अनार का सेवन करने से, हनुमान जी की पूजा में अनार का भोग लगाने से मंगल की शांति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।